इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की बात करें तो यहां भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण 4 लोगों की मौत हुई है और छत्तीसगढ़ में 531 नए केस आए हैं। रायपुर में 84 नए मरीजों की पहचान हुई है। राजनांदगांव से 52, कांकेर से 32, दुर्ग से 30 और बलौदाबाजार से 31 नए मरीज मिले हैं। महासमुंद में 20, सरगुजा में 38, सूरजपुर से 30 मरीजों की पहचान हुई है। हम रुक करेंगे आदित्य नामदेव जी, स्टेट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर बातचीत के लिए खबर पर। आदित्य जी, एक बार फिर जो आंकड़े प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं वो सभी आंकड़े बढ़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है। देखिए दीपक जी, सबसे ज्यादा अलार्मिंग है 4 मौत। हालांकि कोमॉर्बिडिटी के चलते मौत हुई, लेकिन आखिर उसमें कोविड के लक्षण थे, कोविड पॉजिटिव था वो शख्स जो 4 लोगों की मौत हुई है। टेस्टिंग बढ़ रही है, देखिए कल 5000 के आसपास टेस्टिंग थी, आज 6223 टेस्टिंग हुई। मतलब साफ है टेस्टिंग जैसे बढ़ेगी निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्टिंग और बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट 8.53 है। अभी भी केवल 6000 टेस्टिंग है जबकि 3.25 करोड़ लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। मतलब साफ है टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। और जो हालात चिंताजनक दिख रहे हैं, सूरजपुर जैसी छोटी जगह में, बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में 17 मरीज, कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में 32 मरीज, रायपुर बिलासपुर में तो मरीज आ रहे हैं ठीक है, रायपुर में भी आज रिकॉर्ड 84 मरीज सामने आए। मतलब बहुत साफ है आने वाले समय में और खतरा बढ़ सकता है। गरियाबंद जैसे छोटे से जिले में 20 मरीज सामने आए उस समय जब टेस्टिंग बमुश्किल 300 या 400 हो रही है वहां पर, उसमें इतने मरीज आ रहे हैं। मतलब साफ है आने वाले समय स्थिति चिंताजनक और हो सकती है, बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसको फिर से फॉलो करवाने की जरूरत है, अगर नहीं हुआ तो ये स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।